नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के देवरिया के रामपुर कारखाना क्षेत्र में छोटी गंडक के पटनवा पुल से एक लड़की का शव लटकता मिला। आशंका है कि बदमाशों ने लड़की की हत्या कर नदी में फेंक दी। लेकिन उसका शव पुल की रेलिंग में फंस गया। सीमा विवाद में 3 घंटे तक रामपुर कारखाना तरकुलवा के पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। ग्रामीणों के घटनास्थल पर भारी भीड़ जुट गई। देवरिया कसिया मार्ग पर 1904 में बनाया गया लोहे का पुल पैदल चलने वालों के लिए अभी तक खुला हुआ। देर रात एक लड़की की हत्या कर उसका शव लोहे के पुल से नदी में फेंकने की बदमाशों ने प्रयास किया, लेकिन उसका शव रेलिंग में फंस गया और वह पुल से उल्टा लटक गई। इस जनपद के थाना महुआ डी के गांव समरेजी टोला महुआ डी की एक लड़की का कल उसके बाबा से विवाद हो गया। लड़की अपने बाबा को गाली देने लगी। लड़की के दो चाचा लोगों ने, दो या तीन चाचा थे, उन्होंने उसके साथ मारपीट की। लड़की बेहोश हो गई। फिर परिवार के लोग उसको जिला अस्पताल ला रहे थे कि रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। परिवार के इन लोगों ने उसे पटनवा पुल पर, जहां नीचे नदी बहती है, उससे उसे नीचे फेंका, लेकिन लड़की जो पुल का एंगल है उससे फंस गई और आज सवेरे उसकी डेड बॉडी थाना रामपुर कारखाना क्षेत्र के पटनवा पुल से प्राप्त हुई, जिसके संबंध में थाना रामपुर कारखाना में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना कराई जा रही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।